किसानों की कर्ज माफी बड़े रोड़े हैं इस राह में। बैंक कर्मियों ने दे रखी है आंदोलन की चेतावनी। किसानों की कर्ज माफी के अपने वादे को पूरे करने में जुटी राज्य सरकार की राह में अभी कई रोड़े हैं। कर्ज माफी के मुद्दे को लेकर आगामी 8 फरवरी को बीजेपी के जेल भरो आंदोलन से पहले किसानों को राह देने की शुरुआत करने की कवायद में जुटी गहलोत सरकार के लिए ये इतना आसान नहीं होगा। एक तरफ तो अभी तक कर्ज माफी की शर्तों और पात्रता का निर्धारण नहीं हो पाया है, वहीं दूसरी तरफ 8 फरवरी से ही सरकारी बैंक कर्मियों ने आंदोलन की चेतावनी दे रखी है, जबकि कर्ज माफी का अधिकांश कार्य उन्हीं के द्वारा किया जाना है। राज्य सरकार की मंशा है कि बीजेपी के जेल भरो आंदोलन से पूर्व ही कर्ज माफी की अनौपचारिक शुरुआत कर दी जाए। इसके लिए सहकारिता विभाग तेजी से काम में जुटा हुआ है। आगामी 7, 8 और 9 फरवरी को कर्ज माफी कैंप लगाए जा सकते हैं। इसके तहत प्रत्येक पंचायत में 5-5 किसानों को सर्टिफिकेट दिए जाने की संभावना है। प्रमुख सचिव सहकारिता अभय कुमार ने दिए निर्देश। सहकारिता विभाग के सूत्रों की माने तो 7 फरवरी से कर्ज माफी की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। इसके लिए सीएम अशोक गहलोत की मंजूरी का इंतजार है। मंजूरी मिली तो 7 फरवरी से ही कर्ज माफी की अनौपचारिक शुरुआत हो जाएगी। किसानों को शिविर लगाकर ऋण माफी प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। 7 फरवरी को प्रत्येक जिले में एक एक कैंप होगा। 8 और 9 फरवरी को हर जिले में 2-2 कैंप लगाए जाने संभावित हैं। उसके बाद इन शिविरों को निरंतर करने की तैयारी है। इसको लेकर प्रमुख सचिव सहकारिता अभय कुमार ने शनिवार को अधिकारियों से VC करके इसके निर्देश भी दे दिए हैं। बैंक कर्मियों ने 8 फरवरी को दे रखी है महापड़ाव की चेतावनी, लेकिन इसमें एक बड़ा रोड़ा सहकारिता बैंक कर्मियों की आंदोलन की चेतावनी भी है। बैंक कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार को आंदोलन की चेतावनी भी दे रखी है। इसके तहत 8 फरवरी को महापड़ाव और 11 फरवरी को हड़ताल की चेतावनी दी हुई है।